नमस्कार। बिफोर मीट के ऊर पठान कार्यक्रम से मैं महेश शर्मा। आज हमारे स्टूडियो में हमारे एक मेहमान मौजूद हैं जिनकी आदत पड़ चुकी थी कि जब तक इनको कोई गाली ना दे, जब तक इनकी कोई जेब ना काटे, जब तक इनके ऊपर कोई हमला ना कर दे, जब तक इनकी कोई बेइज्जती ना कर दे, तब तक इनको चैन नहीं आता है। लेकिन इत्तेफाक से ये पिछले करीब 7-8 साल से इंदौर जैसे नीट एंड क्लीन और बड़े सिविलाइज सिटी में रह रहे हैं, तो जब ये सब चीजें मिस करते रहे तो फिर ये घूम फिर के कानपुर आ गए थे। अपनी फजीहत कराने का इनको थोड़ा ज्यादा चस्का लगा या ये चीजें ऐसे माहौल में रहते रहते इनकी आदत पड़ गई थी, तो ये कानपुर आ गए। नमस्कार। तो कानपुर कैसे आना हुआ? कानपुर जब मैं बहुत पहले पैदा ही बह रहा सर, हम कानपुर से बहुत बचपन की यादें जुड़ी हमारे, तो हम बहुत पहले निकल के रहा इंदौर। हमारे फायर है, हमारे बाप जान से कहीं कुछ कर जो है नहीं, एक तो हम हमारे साथ बैठ गए, हमें साफ का लेके चले गए, फैक्ट्री लगा दी, साथ में फल बेचने लगे उनके संगे फल फ्रूट। तो वही खाने वाला, तो चाट बना के उठा देते हैं। तो फिर इंदौर बहुत तरक्की करता हुआ करता था, हम लेकिन कानपुर का मिस कर रहे थे। हमका यूँ लगा कि यहाँ जो बिजली नहीं जा रही, मच्छर नहीं काट रहे, इंदौर नहीं हो ही नहीं रहा था, मतलब वो हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, कुछ तो मिसिंग हो रहा है, वो हमारे यहाँ खटक रहा था। तो गड्ढा नहीं है सड़क ना, डोन एकदम, हम पहले पी लिया दूध लस्सी बन गई पेट में, तो वो सब हो नहीं रहा था, वो मजा नहीं होता। तो हम कहा कि एक हमका जायका है, तो हम फूफस कहा हमका जायका है कानपुर, भले महीना में खाते हम बहुत मिस कर रहे हैं, तो वही खाते हम फिर चल जाए कानपुर। कानपुर में किसके यहाँ आते हैं? कानपुर का हमारे चचिया ससुर रहा है, चचिया ससुर के यहाँ आते हैं। हम ब्याह वहीं कर लिया है, तो यहीं पर रहेंगे, हमको पता था मिल हुआ, तो हम कहते हैं ठीक है उनके चलते हैं, सब सही है, लेकिन ठीक है। मतलब चचिया ससुर क्या करते हैं? और चचिया ससुर जाने उनकी बात, क्या काम करते हैं, क्या करते रहते हैं, घर पर रहते हैं, बिरयानी बिरयानी रोटी गाली दी बाबा, बिरयानी जो कानपुर में फेमस है, बेगमगंज में जाऊंगी एकदम चले जाऊंगे, तो ये बाबा बिरयानी वाले गाली दी, पहले चावल वाले गाली दी, बिरयानी बोटी वाले गाली दी, बकरे वाले गाली दी, मसाले वाले गाली दी, हम सब इन गाली का जो है जन्म से अधिकार धरे हैं ये, और पेल पेल गाली देता है। तो इसे क्या क्या फायदा मिलता है, मतलब क्या करते हैं, गाली देते हैं, कुछ नहीं करते हैं गाली ऐसे होता। हम उनसे पूछा रहा है कि ये मतलब ऐसे करके काम करते घर कैसे चला था, तो कोई कहीं हम बकैती करके हम पैसा पैदा करते, बकैती हम करा था और ऐसे लोगों से लोग हमको ऐसे ही पैसा दे देते हैं, तो दूसरे बकैती में गाली देते हैं। बकैती सब इधर है अभी, क्या असला उसको कट्टा पका आ जाती कट्टा, तो उनके पास धरो रहा है, तो कहीं हम बकैती करते हैं, यही दिखाते हैं, तो देख पैसा कहां पर ले जा रहा है, तो ये हमें समझ नहीं आया, तो हम यो सोच रहे रहा कि यो धंधा बढ़िया, लेकिन फिर हमका चलो बाद में अभी आपसे, तुमने उनसे पूछा नहीं कि कौन सा धंधा बढ़िया होगा? कोई हमसे कहें कि तुम जाओ थोड़ी कनपुरिया तो सीख लो, कनपुरिया का आवाज है, कहीं तुम बस हाई ये ले लो, बस दो ही लोगों से दूर रहेगा ये हमसे बताएं कि एक तो टीवी वाले थे उनके नजर में आओ, उनकी मीडिया वाले नजर में आते, और दूसरे खाते मीडिया वाले नजर में का है, कोई जब उनको बात एकदम इतना ग्लैमराइज करके एकदम ललक डाक करके दिखा देते होंगे, तो उनको उनके मुंह से तो गाली मीडिया वाले, हाँ निकली वही, तो वहां पे भी गाली निकली खाती सबके ऊपर, किसके ऊपर मीडिया वालों को कैसे निकली? मीडिया वालों पे जब चाहिए माइक लेके एकदम घुसे घुस जाते हैं, एकदम उनको गाली दी, इतनी बात होते इतना बड़ा बना देते हैं, उनको गाली दी, तार वाला जो माइक में घुसे आवाज है तार एकदम इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक उनका गाली दी, जो बैठे एडिटिंग कर रहे थे उनका सब नॉलेज बहुत है उनका, मतलब वो स्कूल नहीं गए नॉलेज बहुत, मतलब गाली देने में वो किसी को छोड़ते नहीं, किसी को नहीं। किसी भी एक चीज से सब्जेक्ट से कोई चीज दूर तक गई तो एक एक करके सबको बिजली वाला बिजली नहीं आती थी ये सब चीजें यहाँ पर, तो यहाँ जो बिजली नहीं आती बिजली गायब होती तो चाचा चचिया ससुर क्या करते हैं? चचिया ससुर जब जैसे ही बिजली गई पहले कहा जाते हैं पड़ोसी की आ रही नहीं, पहले पड़ोसी गाली देंगे अगर ओपी गाय बत्ती आ रही है, वो कहेंगे कि सौ सौ काट दी से हमारा कनेक्शन गलत जरूर हुआ, अगर वो की बत्ती गई तो पहले सांस लगी ठंडी, सो यहाँ गई है चलो हम अकेले लाइन, ओके बाद केसा वाले गाली देंगे, मिस्त्री वाले गाली देंगे, जो उनके मोहल्ले के तार जोड़े थे कटिया लगा हुआ था ओका गाली देंगे, तार वाले गाली देंगे, जो मीटर फिक्स करके हुआ ओका गाली देंगे, और ट्रांसफार्मर का भी गाली देंगे, मतलब हर चीज
ओकर ट्रांसफर तो मतलब नहीं हमका काहे गाली पड़ दी वो खराब करेगा घर जी आपका पहले पड़ा है ये करवा दो। अच्छा कभी ऐसा हुआ है क्योंकि कानपुर में पानी की बड़ी शिकायत होती है कि नहाने गए वो पानी बंद हो गया था कैसे वो रिएक्ट करता है? जैसे बंद गंगा जी खैर बगले में है कानपुर के तो ये नहीं कि गंगा जी चले जाए उनका गाली अब गाली तो मन में भरी है जैसे ही नहा रहा है एकदम साबुन आबुन एकदम लगा के एकदम झगा रहा है एकदम आंखें वहां लग गए और पानी चला गया। अब जैसे ही पानी गवा उनके एकदम से फड़फड़ाए पहले तो चच्ची का गाली भी नमा कि तुम लोग पानी भर के नहीं धरती तो चच्ची कहीं भी हम भरा रहा है जो है मुन्नवा को कर दे दो खत्म कर दे मुन्नवा का गाली लाइव में नहीं दे सकता हूँ मतलब उन्होंने गाली हमका मुन्नवा का दिन चाची देव के बाद जलकर संस्थान के जितना इंजीनियर अधिकारी पाइपलाइन वाला मिस्त्री फिटर बिजली मैन सबका एक नाम एक लाइव सकता हूँ कुछ क्या दिमागी तौर पर चर्चा से जोर कुछ हिले हुए लगते हैं या ये बात उनसे आके मिली एक बात तो गांवी को गाली दे रहे हैं हमने जब उनको बताया कि हम जो है ब्यूरो प्रिंट उसमें जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए सॉरी जो बैठक है तो आपको गाली दी आपके कैमरा मैन को गाली दी आपकी जो बिल्डिंग है का मतलब बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग की क्या गलती है कहीं नहीं बिल्डिंग उनका सहारा देगी तो ओका जरूर पड़ेगी गाली कुर्सी गाली दी एक गाली दी इनका गाली दी हमका छोड़ देंगे। देखिए भाई आप समझिए कैसे कैसे कानपुर में लोग हैं और ये भी कैसे हैं कि इंदौर जैसा शहर छोड़ के क्योंकि इनको बिजली के बिना रहने की आदत है बिना नहाए भी नहीं रहते हैं जब तक इनके साथ ये पटी ना हो तब तक इनको चैन नहीं आता तो ये सब अपनी चीज छत कराने के लिए खुद है कानपुर आ गए ऊपर से के चचिया ससुर भगवान माने गए धन्यवाद भैया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।